जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यही है नरेंद्र मोदी का बर्थडे गिफ्ट जो वो देश को दे रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम ने दुनिया में भारत के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा मनवाया। हाल में हुई G20 समिट के दौरान पूरी दुनिया की नजर भारत मंडपम पर गई, लेकिन अब द्वारका में इससे भी शानदार इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का पहला चरण बनकर तैयार हो चुका है। इस कन्वेंशन सेंटर को यशोभूमि नाम दिया गया। 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी इस कन्वेंशन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। ये कन्वेंशन सेंटर न सिर्फ दुनिया में भारत के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा मनवाएगा बल्कि भारत को इंटरनेशनल इवेंट्स का बड़ा मेजबान भी बना देगा। आप तस्वीर देखिए कितना शानदार है, एक बारगी में देख के लगता है इंडिया में है भी या नहीं, लेकिन ये नया इंडिया, यहां ऐसी ही चीजें देखने को मिलती है। लाइटिंग देखिए क्या भग भग झकझक रात में लग रहा है। यशोभूमि को तैयार करने में भारतीय संस्कृति पर पूरा फोकस किया गया है। कन्वेंशन सेंटर में स्ट्रीट आर्ट से लेकर शाही महलों की झलक दिखाई दे रही है। इसमें जाली सीढ़ीदार कुएं और हरी भरी खुली जगहों पर पारंपरिक वास्तुशिल्प का इस्तेमाल किया गया है। द्वारका कन्वेंशन सेंटर के हर एग्जीबिशन हॉल की छत पर अलग तरह की डिजाइन नजर आएगी। कई जगहों पर छत पर कॉपर का भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि फर्श पर रंगोली पैटर्न की झलक दिखाई दे रही है। द्वारका में तैयार किए गए कन्वेंशन सेंटर में ट्रेड एक्सपो, एग्जीबिशन और कल्चरल इवेंट्स होंगे। आपको आगे बढ़ने से पहले इस कॉम्प्लेक्स की कुछ खासियतें बता देता हूं। तस्वीरें देखकर मन गदगद नहीं हो रहा है, अब इसकी जरा खासियत सुनिए। 225 एकड़ में फैला यह कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की नई पहचान का प्रतीक है। दूसरे चरण का काम पूरा होने के बाद यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन जाएगा। 8 मंजिला ऊंचे कन्वेंशन सेंटर में देश की सबसे बड़ी LED वीडियो वॉल तैयार की गई है, जिसकी मदद से कन्वेंशन सेंटर का अगला हिस्सा रात के अंधेरे में भी चमकता हुआ नजर आएगा। कन्वेंशन सेंटर में मेन ऑडिटोरियम के अलावा 14 कन्वेंशन रूम होंगे, जिनमें करीब 11,000 लोग बैठ सकेंगे, जबकि कन्वेंशन सेंटर के मेन ऑडिटोरियम में 6,000 मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया गया। फर्स्ट फेज में जो एग्जीबिशन हॉल बने हैं उनका एरिया करीब 10,00,000 स्क्वायर फीट है, यानी 5 फुटबॉल मैदान के बराबर। पहले चरण में इस कन्वेंशन सेंटर में करीब 3,000 गाड़ियों की पार्किंग तैयार की गई। इस कॉम्प्लेक्स में लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए एक मेट्रो स्टेशन भी तैयार किया गया है। इस मेट्रो स्टेशन को द्वारका मेट्रो लाइन और एयरपोर्ट मेट्रो से कनेक्ट किया गया है। कॉम्प्लेक्स के दूसरे चरण का काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा। इसे तैयार करने में करीब 26,000 करोड़ की लागत आएगी। इस कॉम्प्लेक्स में सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस किया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इससे 100% गंदा पानी फिर से इस्तेमाल हो पाएगा। द्वारका में नए कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उद्घाटन की तैयारियों पर यह रिपोर्ट भी आपको दिखा। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर ठीक मेरे आप पीछे देख सकते हैं, जिसके पहले फेज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों हो सकता है रविवार को किया जाए। लिहाजा आप ये देख सकते हैं जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारी चल रही है, और ये वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर है जिसे दो फेज में तैयार किया जा रहा है। ये करीब अगर बात करें IGI एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर तैयार किया गया है। ठीक भारत मंडपम की तरह ही ये होगा, या कह सकते हैं ये उससे भी बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जो करीब 3,00,000 स्क्वायर मीटर इंडोर एरिया में तैयार हुआ है, और इसे बनाने में करीब 25,703 करोड़ रुपए की लागत लगी है। द्वारका में बने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का ऑडिटोरियम कितना वर्ल्ड क्लास है उसकी एक झलक भी देख लीजिए। कन्वेंशन सेंटर के मेन ऑडिटोरियम में बैठने का इंतजाम पूरी तरह ऑटोमेटिक है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि चेयर्स को जरूरत के मुताबिक ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। अभी तक आप कहीं कन्वेंशन सेंटर में जाते हैं, सीट मिल गई, बैठ गए, लेकिन आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके फर्श को लकड़ी से तैयार किया गया और यह पूरी तरह साउंड प्रूफ है। वुडन फ्लोरिंग के अलावा ऑडिटोरियम की वॉल और छत भी वर्ल्ड क्लास नजर आ रही है। बड़े बड़े स्पीकर ऊपर लगाए गए, मतलब यहां कार्यक्रम में जाने में ही आदमी को मजा आ जाएगा कि क्या ही जबरदस्त चीज भारत में बनी। कन्वेंशन सेंटर को बनाने में इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया है कि लोगों को पहुंचने में परेशानी ना हो। कन्वेंशन सेंटर को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसकी दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के जरिए कन्वेंशन सेंटर पहुंचा जा सकता है। दिल्ली जयपुर रेलवे लाइन से भी कन्वेंशन सेंटर बहुत नजदीक है। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर का अपना मेट्रो स्टेशन है। द्वारका मेट्रो को कन्वेंशन सेंटर से कनेक्ट किया गया, जल्दी ही मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी इससे जोड़ दी जाएगी।
अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनने से यहां के लोगों का क्या फायदा हो, तो आपको यह भी समझाता हूं कि कन्वेंशन सेंटर जब यहां बनेगा और उसमें कार्यक्रम होंगे, उसमें इवेंट्स होंगे, दुनिया भर से लोग आएंगे, तो पहला फायदा तो यह है जो माना जा रहा है कि 5 लाख प्लस रोजगार मिलेगा इस कन्वेंशन सेंटर में जो कार्यक्रम होंगे और जो चीजें होंगी उसकी वजह से, दूसरा रखरखाव, बहुत सारी और चीजें मिलाकर। दूसरा फायदा क्या है जो औद्योगिक विकास है उसको रफ्तार मिलेगी, मतलब वो गति पकड़ेगा। तीसरा फायदा इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। कन्वेंशन सेंटर शुरू होने के बाद इसमें नेशनल इंटरनेशनल समिट, ट्रेड एक्सपोज और कल्चरल एक्टिविटी आयोजित की जाएंगी, जिसके लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं भी मिलेंगी। दावा किया जा रहा है कि एक बार शुरू होने के बाद आईआईसीसी द्वारका को हर साल 100 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी मिलने की उम्मीद है। इससे शुरू होने के बाद इंटरनेशनल इवेंट्स के आयोजनों की मेजबानी में भारत की हिस्सेदारी करीब 13% बढ़ जाएगी और दिल्ली इस मामले में शंघाई, हांगकांग और सिंगापुर को टक्कर देने लगेगी। इसके फायदा यह भी होगा कि ग्लोबल माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज और एग्जीबिशंस के मार्केट में भारत का शेयर बढ़ जाएगा। साल 2022 में ग्लोबल माइस मार्केट की वैल्यू करीब 72 लाख करोड़ रुपए थी, जिसमें 2030 तक हर साल 7.5% का उछाल आने का अनुमान है। यानी भारत की शान तो बनेगा ही, लेकिन पैसे का भी जरिया बनेगा, और यह हाल तब है जब द्वारका में कन्वेंशन सेंटर के पहले चरण का काम पूरा हुआ है। अच्छा, कन्वेंशन सेंटर बनेगा तो द्वारका के आसपास जो होटल्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। भाई लोग आएंगे तो बहुत दूर तो रुकेंगे नहीं, वहीं रुकेंगे दिल्ली द्वारका के आसपास। उन होटल्स की चांदी, उन टैक्सी वालों की, ऑटो वालों की, आसपास घूमने की जगहों में जो दुकानें हैं उनकी चांदी हो जाएगी। जब अगले साल ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो कैसा दिखेगा उसकी भी एक झलक एनिमेशन के जरिए देखें। देख रहे हैं आप क्या वर्ल्ड क्लास लग रहा है। कन्वेंशन सेंटर में एक मल्टीपर्पज अरीना होगा जिसकी छत फोल्डिंग होगी, यानी जरूरत पड़ने पर खोल दो और जरूरत पड़े तो बंद कर दो। इस अरीना में करीब 20,000 लोग बैठ सकते हैं। देखिए दूसरा हिस्सा जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, झक से खुल गया। बढ़िया मौसम है, हवा चल रही है, धूप खिली हुई है, खोल दीजिए। बारिश हो रही है, बंद करके अंदर कर लीजिए कार्यक्रम। यह मल्टीपर्पज अरीना एशिया में सबसे बड़ा होगा। इसमें इंडोर स्पोर्ट्स और म्यूजिक इवेंट्स आयोजित करने की भी सुविधा होगी। आप सोचिए इतने बड़े में आप बैठ के कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट सुन रहे, मन गदगद। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर में कैफे होगा, रेस्टोरेंट होंगे, हेल्प डेस्क तैयार किए जाएंगे और मेहमानों के ठहरने के लिए भी बड़ी संख्या में आधुनिक सुविधाओं से लैस होटल भी यहां तैयार किए जाएंगे। द्वारका में बन रहे कन्वेंशन सेंटर के सेकेंड फेज का काम पूरा होने पर यहां क्या क्या फैसिलिटी बढ़ जाएंगी वो भी सुन लीजिए। 225 एकड़ में फैले कॉम्प्लेक्स के कुल एरिया का 60% हिस्सा यानी करीब 158 एकड़ मिक्स्ड यूज एरिया होगा। इसमें से करीब 64 एकड़ में आधुनिक सुविधाओं से लैस होटल बनेंगे जिनमें कुल 3500 कमरे होंगे, जबकि करीब 9 एकड़ एरिया में ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसमें ऑफिस स्पेस होगा, रिटेल स्पेस होगा, यानी दुनिया में भारत का परचम और लहराएगा। अब पब्लिक ये देखेगी तो खुशी ना होगी। आप चाहते हैं पत्रकारों को बैन करके मामला खत्म कर दें, काम ना करो बॉस।